सो वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। एक सराउंडिंग देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। सो गाइस, आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है बिकॉज जर्मनी में ना, मतलब गेमर्स गेमिंग सबके लिए इतनी खतरनाक अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे ना गाइस। आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एक्चुअली गेमिंग सिस्टम कैसी होती है। अगर आपको लेना है ना लेना है वो बात की चॉइस, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। और उसके लिए यहाँ पे सेक्शंस वाइज सेक्शन सारी चीज़ें होती हैं। तो आ जाओ, एक एक चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस चलो आ जाओ, इस सेक्शन में आ गए हम। और इस सेक्शन में आप देख सकते हो बहुत सारे गेमिंग के जो हेडफोन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं ना गाइस तो हमको एक क्रिस्प आवाज़ चाहिए होता है। तो उसके लिए ना, मतलब प्रॉपर हेडफोन होना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट नेसेसरी चीज है। ये एक अंग है गेमर का। क्या बोला तूने? अगर आपको अच्छे से आवाज आएगा ना तो आप प्रॉपर से कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो और अच्छे से गेम खेल सकते हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे आपको पता होगी हेडफोन। सॉरी गाइस, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें है, जैसे कि रेजर कंपनी का है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता है कि रेजर क्या है या फिर हाइपर एक्स क्या है। तो यहाँ पे स्टील सीरीज के भी है बहुत सारे, बहुत ही प्रॉपर वाली। मेरे पास जो है अभी सेनहाइजर कंपनी का है, जो कि वन ऑफ द बहुत ही पॉपुलर हेडफोन है और जो कैरिबियन नेटिव पहनता है। एक्चुअली उसने पहले पहना था और मैं उस चक्कर में यहाँ पे इस जगह पे आया था और सेनहाइजर कंपनी का लिया था मैंने। सो आप देख सकते हो शायद मेरे, जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो मैं वही हेडफोन पहनता हूँ। आ जाओ, ये सेक्शन है गाइस कंट्रोलर का। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं मेरे। मैं तो कंट्रोलर्स पे नहीं खेलता हूँ, मैं पीसी पे ही खेलता हूँ नॉर्मली। लेकिन जो लोग कंट्रोलर खेलते हैं उनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। और इन कमिंग टाइम में आप मुझे भी देखेंगे कंट्रोलर के साथ, बिकॉज मैं PS5 लेने वाला हूँ जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से स्पीकर्स, एक्चुअली स्पीकर्स की जरूरत नहीं पड़ती हमको, बट वो एक होता है ना कि अगर गेमर है और आपके पास स्पीकर है, वो एक सेटअप के चाहिए होता है। सेटअप के जो कान होते हैं हमारे, जो उनकी जो आवाजें होती है डिफरेंट टाइप्स में, तो उसके लिए प्रॉपर सेक्शन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही खतरनाक पसंद आई थी। लास्ट टाइम में जब आया था मैं ऑलमोस्ट मतलब लेने ही वाला था। क्यों? लास्ट वन पे मैंने नहीं लिया बिकॉज मुझे किसी तो भी बोला था कि मत ले, अभी मत ले, थोड़ा बाद मिला दो चार महीने के बाद। तो वो चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ। चीज़ जो मुझे लेनी थी लास्ट टाइम ये थी। इसमें से अब मैं शायद लॉजिटेक का लेना था, ये वाला ऊपर वाला। मैं ये वाला लेने की सोचा था लास्ट टाइम, बट कुछ हो गया था क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है घर पे, और उस चक्कर में मैंने लिया था। और मेरा जो टेबल है उसके ऊपर सेट नहीं हो रहा था ये। उसके बाद फिर एक अल्टरनेटिव आया था यहाँ पे, ये एक वाला ये बिल था, जिसके अंदर हमको जब हम रेसिंग वाले जो गेम खेलते हैं उसमें मज़ा आता है। जैसे कि रेसिंग तो नहीं, जैसे कि ETS है, ETS श्रीमान ने खेला था, तो उसके बाद में बहुत ऐसे फैड आ गए थे मैंने कि मैं भी खेलूँगा साला उसको, और मेरे को मज़े आ गए थे। बट इसको लेके जाएंगे, इसको या फिर लॉजिटेक को लेके जाएंगे। इसका कुछ 300 का कुछ प्राइस है, तो चलो आ जाओ। ये सेक्शन एक्चुअली गेम्स का है, यहाँ पे कैसेट्स वाली गेम मिलती है अभी भी, जिसके अंदर बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे कि रेसिडेंट इविल है गाइस। रेसिडेंट इविल आप जान सकते हो, सिमुलेटर्स गेम है, फ्लोरा होरिजोन है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, पबजी PC है, CD में भी आते हैं। आज तक ये CD में आते हैं, लोग स्टीम से लेते हैं डिजिटल, लेकिन आज भी यहाँ पे CD में गेम मिलते हैं। ये बड़ी बात है और ये काफ़ी अच्छी बात है। A few moments later. ये वायरिंग जो कि मेरी वाइफ को पसंद नहीं आती है, और इसको जानते हो आप, इसको अगर नहीं जानते ना तो आप गेमर नहीं हो, ठीक है। जो गेमर्स है वो जानते हैं, ये नया गेम आया था अभी रिसेंटली रैग्नारॉक। ये सिर्फ PS5 के लिए आया था, अभी PC के लिए आने के लिए बाकी है। जब PC पे आएगा तब खेलेंगे, लेकिन आ जाओ। लास्ट टाइम में आया था यहाँ पे और एक सेक्शन मैंने पूरा किया था, जिसके अंदर Oh my God. ये पूरा एक सेटअप है जिसके ऊपर मैंने शायद आधा घंटा या एक घंटा प्रॉपर गेम खेला था। आज थोड़ा सा इसके अंदर इशू है, लेकिन
सिमुलेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा स्क्रीन है, आप प्रॉपर एक गेमिंग एक्सपीरियंस लेके हैं, आपके अंदर एक भूत चढ़ जाएगा कि आपको पीसी लेनी है, गेमिंग लेनी है। यहाँ पे देखो ये भाई साहब, ये जो सेक्शन है देखो, इसको देख के मेरे को लगा था कि मेरे को लेना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा पास इतना बड़ा टेबल नहीं है घर पे और ना ही इतना बड़ा है, बट इसको लेके जाऊंगा एक दिन, ठीक है। ये देखो ये पूरा व्हील है। अगर आपको लेने से पहले अगर कोई भी डाउट है तो आप प्रॉपर एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसके बाद फुल एंजॉय करके बाद लेके जाओ। सो ये करने के बाद यहाँ पे एक वीआर सेक्शन है, बेड बेड सब कुछ होने के बाद। अभी रिसेंटली श्रीमान ने वीआर की स्ट्रीम की थी जो मेरे को बहुत पसंद आई थी, तो आ जाओ। सो गाइस यहाँ पे आके बाद आप प्रॉपर एक वीआर का एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैं लास्ट टाइम गया था यहाँ पे, आप पूछ सकते हो किसी को, या फिर अगर आपको उतना नॉलेज है कि ये वीआर कैसे काम करता है तो सीधा लो, ऐसे डालो। ये इसके अंदर वीडियो चल रही है, चल झूठा। ओ भाई साहब ओके, और आपको पता है ये चीज़ें कैसे होती है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से खेल सकते हो। अभी शायद इसके अंदर एक वीडियो चल रहा है, मैं इधर हूँ, मैं कहीं मैं देख रहा, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। ये इधर चल रहा है, ये देखो, ये भाई साहब मेरे को मारने वाला है, इधर ही रुक 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 जा। ओए नाइस। सो शायद मैं इसको भी रखने वाला हूँ कहीं पे, तो भी यहीं पे हेल्प करो यार। इसके अंदर एक वीडियो चल रही है, आई थिंक मज़े आएंगे इसको भी, तो ये भी इन कमिंग टाइम लेने वाले हम, तो मज़ा आ गया। अच्छा तो गाइस ये थोड़ा सा स्नेक पिक था, थोड़ा सा मतलब आपको एक आइडिया दिया मैंने कि होता कैसे, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है, ये ऊपर ऊपर है आप, लेकिन मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको पूरा देखना है तो मैं इसके लिए भी प्रिपेयर करके आऊँगा और एक प्रॉपर कंटेंट आपके लिए क्रिएट करके आऊँगा। अभी जैसे कि एक छोटा सा एक देख लो, यहाँ पे साइड में भी एक बड़ा स्क्रीन है, ये एक्चुअली पीसी है और बहुत ही बड़ा पीसी है, तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको क्या इस वीडियो में पसंद आया है और आप क्या देखना चाह रहे हो। सो गाइस ये जो शॉप है ना गाइस, एक्चुअली शॉप नहीं बड़ा मॉल है, मॉल भी नहीं बोल सकते इसको, इनका पूरा एक बिल्डिंग है और इसका नाम है सैटर्न और ये जर्मनी में है। एक्चुअली हमारे इंडिया में कैसे जैसे कि रिलायंस रिटेल वो सारी चेन होती है ना, तो ये सैटर्न हर एक सिटीज में होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में हर जगह पे आपको मिल जाएगी और बहुत प्राइसेस वीसेस बहुत नॉर्मल होती है, यहाँ पे हम ले सकते हैं। और बताना आपको ये वीडियो के पूरे सेक्शन में आपको क्या अच्छा लगा और कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है एज अ गेमर। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब करना, ठीक है। खतरनाक वाला वीडियो बनाया मैंने, मज़ा आएगा आपको, तो अगर मज़ा आएगा ना तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बनता है, तो चलो मिलते हैं।